हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ड पाकशाला। आज हम बनाने वाले हैं भुने हुए गोभी की सब्जी नए तरीके से। देखिए इसकी विधि, शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक फूल गोभी का पूरा फूल लिया है। फूल अच्छे से साफ होना चाहिए, इसी तरीके से फूल लीजिए और जिस तरीके से मैं काट रही हूँ उसी तरीके से इसके एक स्लाइसेस बनाने हैं आपको। एक गोभी से 2 से 3 स्लाइसेस निकलते हैं। ये देखिए, 1 इंच की दूरी पे काटना है। ये देखिए मैं कैसे काट रही हूँ। अब ये साइड के फूल के टुकड़े हो चुके हैं, वो नहीं यूज़ कर सकते और उसे फेंकना नहीं है। उसे आप सब्जी बना सकते हो, पुलाव में डाल सकते हो, जैसे भी हम रेगुलर यूज़ करते हैं उसे, या उसी तरीके से छोटे छोटे फूल को भी आप यूज़ कर सकते हो, बट दिखने को ये अच्छा लगता है। एक बड़ी प्लेट में मैंने कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर, पाव छोटी चम्मच हल्दी डाली है, आधी छोटी चम्मच सादा वाला तीखा वाला चिली पाउडर, आधी छोटी चम्मच धना पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर लिया है और पाव छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 2 बड़े चम्मच मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में फ्लेवर अच्छा आता है, आप चाहिए तो नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हो। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिला के एक इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अब इसमें हमने जो फूल के स्लाइसेस कट करके रखे हैं वो डालेंगे। और ये याद रखना है आपको, इसे चम्मच से नहीं हो जाएगा, ये आपको हाथ से ही हर साइड से गोभी के अंदर तक हमारा पूरा मसाला जाना चाहिए, नहीं तो पकने के बाद वो अंदर फीका लगेगा और बाहर ही मसाला लगेगा। इसलिए अच्छे से उंगलियों से दबाते हुए सारे साइड से गोभी को मसाला लगाना। ये देखिए मैंने सारा अंदर बाहर मसाला लगाया है गोभी को। अभी इसे हम 30 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आप 30 मिनट की जगह 2 घंटे तक भी रख सकते हो। एक ही प्रोसेस तब तक शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आधा कप दही लिया है। उस दही में हम 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसके जगह पे आप बेसन भी डाल सकते हो, बट बेसन से टेस्ट अलग आएगा, इसलिए मैं कॉर्नफ्लोर डालती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट कुछ भी नहीं होता है। और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे दही में। दही एक सा करना है। आधा कप मैंने टोमेटो को पीस के लिया है, वो आधी कप है उसका पेस्ट। और एक सिलबट्टा में हम 3 से 4, तेज है तो या कम तेज वाली, 4 से 5 ग्रीन चिली, 1 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाल के अच्छे से कूट के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा पेस्ट बना के कटोरी में निकाल लिया है। थोड़ा सा दरदरा रहा तो भी चलेगा, बट जितना हो सके उतना पेस्ट कीजिए। आधा घंटा हो चुका है और हमारा कॉलीफ्लावर भी मैरिनेट हो चुका है। अभी एक मैं बेकिंग ट्रे में ग्रीस कर किया है मैंने। अब जो हमारा मसाला वाला गोभी है वो हम बेकिंग ट्रे में रखेंगे और इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है, ग्रिलिंग पैन है, तो आप उसमें भी ग्रिल कर सकते हो, बट ये याद रखिए कि आपका मसाला नहीं जलना चाहिए। ओवन में तो नहीं जलता है, बट गैस पे रहने से मे भी जल सकता है। चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल को अच्छे से हम गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, उसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और जो हमने लहसुन चिली की पेस्ट बनाई थी वो डालेंगे और आधी छोटी चम्मच तुरंत नमक डालना है क्योंकि तेल गरम है तो पेस्ट जलने का चांस है, इसलिए नमक डाल के मस्टर्ड ऑयल का टेम्परेचर कम कर लेना है। अब उसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें जो टमाटर पीस के रखे थे वो डालेंगे और इसे चला के अच्छे से, टमाटर पूरे हमें गला लेना है। अभी हमने बिना कुक किए हुए टमाटर की पेस्ट डाली है तो इसे टमाटर को पकने को टाइम लगेगा। अब ढक्कन रख के इसे 5 से 7 मिनट धीमी आंच पे पकाइए। 8 मिनट में हमारे टमाटर अच्छे तरीके से पक चुके हैं, पानी पूरा सूख चुका है और इसमें तेल बाहर आना शुरू हो गया। अब हम इसमें हमारे सूखे मसाले डालेंगे। पाव छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे,
आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से 2 मिनट तक भून लेंगे। मसालों को अच्छे से भून लिया है मैंने। अब इसमें हमने जो दही का घोल बना के रखा था वो डालेंगे। साथ में दही डालते ही इसे तुरंत चला लीजिए। और ये याद रखिए कि दही हमारा फटना नहीं चाहिए, हमने कॉर्नफ्लावर उसी के लिए डाला है, तो भी दही को अच्छे से चलाइए। देखिए मैं कितने अच्छे से दही को चला रही हूँ। अब साथ में हम आधा कप पानी डालेंगे। अगर आपका दही बहुत पतला है तो आप थोड़ा पानी कम डाल सकते हो, बट आधा कप पानी सही होता है। और दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें टमाटर भी है और दही भी है, तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी सब्ज़ी, तो वो आपको नहीं करना है। आप पसंद करते हो तो इसमें एक चुटकी शक्कर भी डालते हो खटास को बैलेंस करने के लिए, बट मेरा दही उतना खट्टा नहीं है। इसे 7-8 मिनट मैंने अच्छे से उबाल लिया है। अब मैं इसमें 1/4 छोटी चम्मच से गरम मसाला डाल के 2 मिनट तक उबलने दूंगी। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है ना हमारे ग्रेवी का, हमें येलो कलर ही चाहिए, रेड नहीं चाहिए, इसीलिए हमने ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल किया है, रेड चिल्ली पाउडर का नहीं किया है ग्रेवी में। ये देखिए इसे अच्छे तरीके से मैं चला लूँगी। ये 2 मिनट के बाद पककर रेडी है। हमारा कॉलीफ्लावर भी रेडी है ग्रिल होके। अब हम इसे सर्व करते हैं। एक प्लेट लिया है मैंने, उसमें हम हमारी बनाई हुई ग्रेवी डालेंगे नीचे, और इसके ऊपर जो हमने ग्रिल किया हुआ गोभी है वो रखेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा साधारण सी गोभी की सब्जी, कितने नई तरीके से हो गई है। ये नई तरीके की गोभी के सब्जी को आप क्या नाम दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको कैसी लगती है वो भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।